नए हो? पहली बार आए हो? तो जो लाल बटन दिख रहा है राइट साइड पे, उसको दबाओ और घंटे को हिला दो। और इसी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो हमेशा देखते रहो। हेलो फ्रेंड्स, बैक योर प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। आइए पेटीएम अकाउंट क्लोज़ करने के बारे में बताते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर अपना पेटीएम अकाउंट क्लोज़ करना चाहेंगे। तो सबसे पहले पेटीएम ऐप ओपन करते हैं। अगर आपको पेटीएम क्लोज़ करना है तो आपको पेटीएम ऐप ओपन करके A3 जो डॉट दिख रहा है, A3 डॉट पे क्लिक करें और 24x7 हेल्प जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करें। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएं और मोर पे क्लिक करें, और भी नीचे जाएं और देखिए ये दिखा रहा है प्रोफाइल एंड केवाईसी। ये प्रोफाइल एंड केवाईसी पे क्लिक करें तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको जो अकाउंट सेटिंग दिखा रहा है राइट साइड पे, अकाउंट सेटिंग आपको इसमें क्लिक करना है। ये ऊपर जो राइट साइड में अकाउंट सेटिंग दिखा रहा है, अकाउंट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, आई नीड टू परमानेंटली क्लोज एंड डिलीट माय अकाउंट। ठीक है, ये जो दिखा रहा है आई नीड टू परमानेंटली क्लोज, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है। आपको आई डोंट यूज़ दी पेटीएम अकाउंट, इसमें क्लिक करना है। बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिस वजह से अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस वजह उस पर क्लिक करें, पर आपको सबसे अच्छा होगा कि आई डोंट यूज़ दी पेटीएम अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है, तो उससे ही आपका पेटीएम अकाउंट क्लोज़ होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आस पे क्लिक करना है। मैसेज आस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है, इधर क्लिक करना है आई नीड टू क्लोज माय अकाउंट, आई नीड क्लोज माय अकाउंट टाइप करके आपको सेंड पे क्लिक करना है। आप चाहे तो और भी कुछ लिख सकते हैं, पर और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही आप सेंड मैसेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा कंपनी की तरफ से कंफर्म करने के लिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज़ हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट में कोई पैसा है तो आप उसको या तो खर्च कर लें या तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि अकाउंट डिलीट होने के बाद आपको अपना आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैसेज रिसीव हो गया, ये दिखा रहा है मैसेज रिसीव हो गया। अगर और आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है कि कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगा और कंफर्म जैसे ही करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। आपका अकाउंट में कोई पैसा नहीं होना चाहिए, ये आप कंफर्म कर लें। ठीक है, आपका अकाउंट में, मेरा अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और मेरे चैनल, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें।